Suhaq Jewelers, timeless jewelry for generations. Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. My guest today is Bollywood playback singer with melodious and mesmerizing voice, winner of Saregama Pa 2006, Sancheta Bhattacharya. The queen of melody, the voice of nightingale, the powerhouse of performance. She's the singer par excellence that will win your heart. Ladies and gentlemen, please welcome Sancheta. That's right, one, two, three, four. Aana hi pada sajna, zalim hai dil ki lagi. A much celebrated winner of Little Champs, finalist in Jo Jeeta Wahi Superstar, top 10 contestant for Ek Se Barkar Ek and Hero Honda Mega Challenge. Koi raat gussa, aankhon se chup ke khungaar lootne, main aayi. Sancheta is the only singer after the legendary Lata Mangeshkar to have performed at the Bala Yogi Auditorium in Parliament. Trained in Indian classical music, Sancheta is an undefeated performer with a wide variety. Welcome to the show, Sancheta. How are you? Thank you. I'm fine. How are you? आई एम गुड. मुझे ये कहना चाहिए जितनी आपकी आवाज सुंदर है उतनी ही आप भी बहुत सुंदर है. अरे बाप रे, क्वारंटाइन में तो बैठ के मोटी भी हो गई फिर से. नहीं यार, पर आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आवाज भी रियली इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे योर गेस्ट एट आवर शो. और इट्स ग्रेट टू हैव यू एंड थैंक्स टू आकाश जी, यू आर कनेक्टेड आवर इंडिया. एग्जैक्टली मैं वही बोलने जा रही थी. आकाश जी, आकाश आशा इवेंट्स, उनको थैंक यू कि उनकी वजह से हम लोग जुड़े. बिल्कुल बिल्कुल था. सो इट्स रियली नाइस यू नो, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग आल्सो, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. एंड एज यू आर हियर, आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ योर्स जो आपका फेवरेट है, एंड देन वी विल स्टार्ट कंटिन्यू योर जर्नी. बिल्कुल. मैं अभी का जो सिचुएशन है कि हम क्वारंटाइन में हैं, काफी लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ घर पे बैठ सकते हैं और भगवान से प्रे कर सकते हैं. बिल्कुल. तो ये सोच लीजिए कि मेरी तरफ से ही उनसे ये प्रे ही है. मैं चाहूंगी कि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी हम सबकी तरफ से प्रे करें. अजनबी मोर है, खौफ हर ओर है, हर नजर में धुआं छा गया, हो पल भर में जाने क्या खो गया, मौसमां जर्द है, आहे भी सर्द है, तन से साया जुदा हो गया, हो पल भर में जाने क्या हो गया, सांस रुक सी गई, वक्त थम सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया, नूरे खुदा तू कहां छुपा है हमें ये बता, नूरे खुदा यूं ना हमसे नजरें फिरा, नूरे खुदा
क्या बात है, बहुत सुंदर संचिता, लवली लवली, बहुत थैंक अच्छा यू गा, थैंक आपकी यू। आवाज इतनी सुंदर है, बिल्कुल दिल को लगती है हमारे, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। थैंक सो यू। संचिता, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी जर्नी, बिकॉज आई फील लॉट ऑफ यंगस्टर्स, यू नो, आजकल लोग आगे आना जी चाहते हैं, और आजकल तो बहुत अवेयरनेस है दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म वे यू कैन ग्रो, आप आए कॉम्पिटिशन्स में जाएं, सीखें, और एक जी पहचान बनती जब, लेकिन बहुत से लाइक आई शुड से पेरेंट्स आर देयर हु डजंट टीच देयर पेरेंट्स दैट जाएं, लेकिन सीखने के ढंग से जाएं, और इस प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डजंट मैटर, आना और एक बिल्कुल पहचान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज आपने तो बहुत कॉम्पिटिशन्स में गए, आपने इतने सारे सिंगर्स के साथ गाया, एंड यू हैव लर्न सो मच, एंड यू आर अ रोल मॉडल फॉर सो मैनी नाउ, सो प्लीज शेयर इट विद अवर व्यूअर्स काइंडली। मैं बचपन से ऐसा है कि मेरे घराना मेरे घर पे मेरी मॉम गाती है, मेरे वाह डैड गाते हैं, तो मेरा शुरू का सीखना मैं अभी भी सीखती हूँ अपने मॉम से। ओके अभी मेरे फिलहाल गुरु हैं सुचेता भट्टाचार्य, जो मुंबई में है, तो लेकिन मेरी इनिशियल स्टेज में अभी भी मैं सीखती हूँ मेरी मॉम से। मेरी मॉम उनके जो गुरुजी हैं उनसे अभी भी सीखते हैं, वाह जो है अभी भी मतलब अलाइव है। तो वाह जो भी है कि मेरे घर में गानों का चर्चा होती रहती थी, और बचपन से ऐसे देखते हुए बड़े हुए हैं, और बचपन से मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, कि वहां पे मैंने स्टैंड किया है फर्स्ट या सेकंड, भगवान के दुआ से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, कभी थर्ड नहीं गई, हमेशा फर्स्ट या फिर सेकंड में ही हाँ रही हूँ फिलहाल। तो मेरी मॉम का क्या था कि नहीं, आप मैं आप जितना सीखते हो वो आप अपने अपने आप को परखो कंपटीशंस जी में जाके, आप करेक्ट हारो जीतो डजेंट मैटर। मेरी मम्मी के लिए हमेशा ये था कि आप हारो जीतो डजेंट मैटर, लेकिन अपने आप को परखो कि आपको इससे आगे क्या करना है। मेरे एग्जैक्टली मॉम डैड हमेशा बोलते थे कि इसके साथ तुम्हारा कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे साथ है, बिल्कुल तो जी मैं इससे अच्छा कैसे कर सकती हूँ, इससे अच्छा कैसे कर सकती हूँ। हमें घर पे हमेशा यही गाने का ही मिजाज चलता रहता है बस। That is so nice, fantastic. So, how did you went for the Saregama? कैसे हुआ? How does it happen? मैं तब बंगाल में एक और एक रियलिटी शो में भाग ले रही थी। एक्चुअली उसमें क्या हुआ था कि ऑलरेडी चैंपियंस का चैंपियन वो हो रहा था, तो अच्छा। ऑलरेडी मैं उस शो में चैंपियन रह चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोग चैंपियंस थे, उस चैंपियंस का चैंपियंस हो रहा था, तो ओह मैं वाह उसमें टॉप 5 में भी पहुंच गई थी। उसके बाद मैं अपने अंकल के घर गई थी, तो मेरे कजन ने बोला कि ऐसे ऑडिशंस चल रहा है, तो यू गो, आप मतलब ऑडिशन दे दो। तो ओके मेरी मॉम बहुत डेडिकेटेड थी, अभी भी है मेरी गाने को लेके, तो शी टोल्ड मी कि चलो चलते हैं। तो हम लोग उसी तरीके से हम लोग ऑडिशन में गए, और एक के बाद एक स्टेप्स में मैं पास होती गई, बस वाओ इतने। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो मतलब आपको स्टेज पे जाके कभी फियर होता था कि जब आप गाते थे कि आई एम नर्वस और समथिंग, या बहुत बहुत अभी भी होता है, रियली अभी भी होता है, अभी लुकिंग भी एट योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑन द स्टेज लगता तो नहीं है। नहीं, मैं सच में मैं माइक पकड़ के ऐसा लगता था कि मेरे हाथ कांप रहे, लेकिन दिखाना रियली नहीं है कि मैं डर रही हूं। वाह सो दिस इज वेरी नाइस टू नो कि जो हमारे इतने बड़े बड़े दिग्गज सिंगर है वो भी घबराते हैं, तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बट यू डजेंट गिव बिल्कुल अप, दैट इज द थिंग। आप जब जाते हैं आपको पता है कि मैं बिल्कुल। करके ही आऊंगी, दैट इज वॉट आपको इट पता इज। है कभी कभी मेरी मम्मी बोलती है या फिर मेरे गुरुजी बोलते हैं कि कभी कभी घबराना भी जरूरत होती है, हाँ जी हाँ जी ताकि ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, यस एंड देन यू कैन घबराने गिव की भी योर जरूरत बेस्ट। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दैट इज सो ट्रू कि मैं अपना बेस्ट ही देके आऊँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल बिल्कुल सो जब आप बिल्कुल। सीखते थे, जब आप छोटे थे, तो आपको किसके गाने सुनना अच्छे लगते थे, या आपको कैसा लगता था कि ये वाला स्टाइल मुझे आना चाहिए? बट आई हैव सीन लाइक यू आर अ वर्सटाइल सिंगर, आप हर तरह के जॉनर के गाने गाती हैं, चाहे वो गजल्स है, चाहे वो पॉप सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है, यू सिंग ऑल ऑफ देम, इट्स नॉट अ स्पेसिफिक फील्ड व्हाट यू हैव पिक्ड। सो हाउ डिड इट हैपन? बचपन से क्या है ना, मेरे घर में मैंने जैसे बोला है गाने का माहौल रहा है, और हम लोग तब तो कैसेट्स आते थे छोटे छोटे, करेक्ट हाँ तो वो हाँ टेप रिकॉर्डर में लगा के सुनना पड़ता था, तो
तो मैं बहुत गाना सुनती थी, सबका गाना सुनती थी। मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि इनका ही गाना सुनना है या फिर इनका ही गाना चूज करना है। मेरे को हमेशा मतलब सबका गाना, और मैं बहुत इमेजिन करती हूँ, तो गाना चला के मेरे को डांस करना है, इसलिए मुझे और ज्यादा गाना सुनना है। तो ओके यही सुनते सुनते कब मेरे सारे गाने मेरे जहन में आ जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था, खेल वाह, खेल में आ जाता था, और मैं उसी गाने के साथ गाती थी। ऐसा नहीं कि मुझे ये सिंगर की तरह बनना है इसलिए मुझे ये गाना ही सुनना है, ऐसा नहीं था। ओके मैं हमेशा खेल खेल में सुनती थी, और ओके गाना सुनना मतलब मेरे लिए एक आप सुनेंगे तो बहुत लोग सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बोल रही है, हाँ मतलब गाना सुनना है तो मेरे को तैयार होके, प्रॉपर तैयार होके उसके वाह साथ डांस करना है, उसके साथ गाना गाना है, वही था मेरे लिए। खेल खेल में ही हो जाता था, सो नौटंकी थी पूरा वाह, एकदम। दैट्स सो स्वीट। बट आप हंसते हुए और मुस्कुराते हो, आपकी जर्नी चलती आई है, एंड दैट्स व्हाट आई सी यू बिल्कुल नाउ आल्सो, ऑलवेज स्माइलिंग एंड बबली। आपकी कुछ पिक्चर्स में आपका ग्लैंस बिपाशा जैसा भी लग रहा था। आई वाज लाइक शी शुड कम इन मूवीज बाप रे, कहा वो नो यू उधर है, कहा आर राजा भोज, कहा गंगू नहीं तेरी। नहीं नहीं है, आप अपनी फील्ड में अपनी पहचान बनाई है आपने, वो अपनी फील्ड में, बट ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ ग्लांस, यू नो, बिकॉज इट्स रियली नाइस, बिल्कुल सो यू बिल्कुल ऑलवेज रिसेम्बल। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो आपका मतलब कुछ ऐसा था जो आप गाते थे हमेशा, जब भी आपको आप बुलाते थे कहीं ना, वो स्पेसिफिक सॉन्ग है जो आप गाना गाना पसंद करते थे? बहुत सारे गाने ऐसे हैं मुझे जो बहुत पसंद आते थे। एक्चुअली आपने मुझे पूछा तो मैं ऐसे मेमोरी मतलब पास्ट मेमोरी में चली गई, लिटिल चैंप्स के टाइम में, या और उसके पहले जो कॉम्पिटिशन्स में मैं गाती थी, जो गाना गा के मैं फर्स्ट होती थी, हाँ वो गाना मेरे को याद आ रहा है। मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी। प्लीज वो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर है जसविंदर जी, जसविंदर नरूला जी, या शीज जी शी इज वेरी गुड। तो उनके बहुत सारे गाने मुझे बहुत पसंद थे, जैसे या कि वो गाना, तेरे बिना एक पल दिल नहीं यूं लग रहा, दिल नहीं यूं लग रहा, तेरे बिना एक पल दिल नहीं यूं लग रहा, दिल नहीं यूं लग रहा, देख लूं एक झलक हाँ, देख लूं एक झलक, आ जा भी जा, तेरे बिना एक पल दिल नहीं लग रहा, दिल नहीं लग क्या बात है, रहा। बहुत ये सुंदर। गाना मैं लिटिल चांस में भी गा के मेरी एंट्री हुई थी। अरे वाह, हाउ स्वीट। तो फिर तो आपका बड़ा स्पेशल और फेवरेट सॉन्ग रहा होगा हमेशा, बहुत इट्स सो बहुत क्लोज टू स्पेशल, यू। सो आफ्टर बिल्कुल। यू आर विनर, उसके बाद आपकी जर्नी आपने कैसे कंटिन्यू करी? लाइक यू हैव सॉन्ग इन द मूवीज ऑल्सो, आपके अपने एल्बम्स भी आए, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। लिटिल चांस जब हो रहा था उसके साथ ही मुझे एक चांस मिला। मैंने फर्स्ट अपने मूवी में गाना गाया, वो है रजत कपूर जी का मिथ्या फिल्म में। तो ओके मैंने एक ही गाना था, तब मैं एकदम 14 साल की ही थी, तो वो मेरा फर्स्ट प्लेबैक था। तो ओके उसी मूवी में मैंने गाना गाया था नेहा धूपिया की लिप में। तो वो समहाउ वो गाना मतलब उतना आया नहीं। जी तो उसके बाद मैंने बाल गणेशा में एक के बाद एक मिलता रहा थोड़ी थोड़ी देर। तो ऐसे ही बस धीरे 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 चल रही हूँ बस। दैट इज सो कूल। आप धीरे धीरे नहीं, आप बहुत अच्छी गति से जा रही हैं। और आपकी जो एल्बम्स, यू सिंग बंगला सॉन्ग भी आपने बहुत गाए हैं, तो हाँ, बांग्ला सॉन्ग बहुत सारे गाए हुए मैंने हमारे अभी यूएसए में रिसेंटली बंगला भी बहुत है जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो दो भी। बिल्कुल लाइनें उनके बिल्कुल लिए भी गाइए, वो बहुत खुश होंगे सुनेंगे तो। बिल्कुल, मैं उनके लिए भी गाना चाहूंगी। ये है मन्ना डे साहब का गाना, तो ये गाना मुझे काफी पसंद है। आनी जे जलशाघारे बेलोरी झाड़ी जे जलशाघारे, निशी पूरा लेके हो चाई नामाय जानी दुआ, निशी पूरा लेके हो चाई नामाय
शहरे बेलो वारी झाड़ा भीजे जल शहरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। ऐसा आपका मोमेंट हमारे व्यूअर्स के साथ वो भी आप शेयर करें, एनी स्पेशल मेमोरी यू हैव, आपकी इतनी सुंदर जर्नी रही है, सो एनी ड्यूरिंग योर परफॉर्मेंस ऐसा कुछ इंसिडेंट्स वी वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। बहुत बार बहुत कुछ हुआ है, फिलहाल तो मुझे अभी याद आ रहे थे कि मैं यूएसए में ही जा रही थी, तो मैं मतलब जैसे समझिए मेरा नेक्स्ट डे फ्लाइट है, ओके, तो उसके पिछले दिन से मेरे को बहुत बुखार है रात से, okay. मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को इतना बुखार है, तो जाना तो है ही, तो ऐसे गई तो फ्लाइट में मुझे फिर से बुखार आया, तो मैंने वहाँ पे दवाई ववाई ली, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा बुखार कम ही नहीं हो रहा है, और मेरे को गाना गाने का ही मन नहीं कर रहा, मैं बोल रही हूँ मैं मुझे इंडिया वापस जाना है, मुझे घर जाना है, तो तब मैं थोड़ी छोटी थी, तो मतलब आफ्टर लिटिल चैंप्स एकदम घर जाना है, मैं नहीं गाऊंगी, ऐसा ऐसा है, तो आपके उधर कोई एक दवाई मिलता है कुछ टैलेनॉल ऐसा कुछ ऐसा कुछ है ना, तो किसी ने मुझे कहा था कि एक काम करो हम लोग इधर जो भी होता है हम लोग यही दवाई लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो तुम पूरे दिन में दोपहर को दो बार और दो टैबलेट और रात को दो टैबलेट ले लेना, तो दवाई लेने के बाद ना मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ, मैं ना एक कोने में बैठी रहती थी, ऐसा लगता कि मैं पागल इंसान हूँ क्या, ऐसा अजीब फील होता था अंदर, फिर मैं नहाने चली जाती थी वो रात को ही, वो जो भी मैं नहाने चली जाती थी, कि मेरे को अजीब फील होता था, तो उसके बाद से ना मैं दो दिन ऐसे मैंने नोटिस किया, उसके बाद मैंने वो दवाई लेना बंद कर दिया, लेकिन मेरी मतलब वो बुखार जा नहीं रहा, तो पापा जो दवाई लेके गए थे उसी से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उस दिन मेरा स्टेज है, okay. और मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मुझे मेरा बदन एकदम टूट रहा है, okay. एकदम मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ ठीक से, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँ कि मैं बहुत भगवान पे विश्वास करती हूँ बहुत ज्यादा, तो बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कॉलर पकड़ के ऐसे उठाया, कि तू मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा लगता है कि आई एम देयर फॉर यू, ऐसा है, तो मैं भगवान से सिर्फ प्रे कर रही हूँ कि भगवान ये शो मतलब आज का दिन मुझे बस हेल्प कर दे, गाना गवा दे, बस हेल्प कर दे, बाकी जो होगा तेरे तेरे ऊपर, लेकिन आज का दिन तू मेरा साथ दे दे बस, yeah. और उस दिन पर शो इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था बुखार लेके भी, तो ऐसी काफी ऐसी सिचुएशंस मेरे लाइफ में हुई है अभी तक भी कि भगवान ने पार करा दिया है नैया। वाओ, हाउ नाइस, हाउ नाइस। मैंने देखा आपने बहुत सारे सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर किया हुआ है, so what was your favorite event आपको Alka Yagnik के साथ, बहुत singers के साथ आपने गाया है, तो कुछ ऐसा आपको special feel होता है जब आप गाते हैं, how do you feel जब उनके साथ गाना गाना, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, मेरा अभी भी बहुत favorite में से, पहले तो लता दीदी हैं, आशा ताई हैं, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है Alka जी का गाना, वो मेरी mentor भी थी और बहुत कड़क मेंटल थी जब मेंटल चैंप्स में थी, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी भूल चूक होती थी ना ऐसे कान पकड़ लेती थी, नहीं मतलब ए प्लस हम लोगों का लास्ट होता था ग्रेड, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क होता था, मतलब इतनी सी भूल के लिए ए प्लस मिलते मिलते बस ए रह जाता था, और मैं सैड हो जाती थी कि उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, बहुत बुरा भी लगता था, मैं बस रोती भी थी, तो एक दिन Alka जी ने मेरे मॉम डैड से कहा कि उसके अंदर शायद पोटेंशियल है, उसके अंदर पोटेंशियल है, इसलिए मैं उसको उसको बाहर लाने के लिए मैं उसको पहले से ही नहीं चढ़ा देती हूँ, इसलिए मैं रोक के रखती हूँ मार्क्स काफी, ताकि उसके अंदर से निकले वो बड़ा और अच्छा, ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, सो ट्रू, तो बहुत सारे हम, मैं बंगाली हूँ तो मेरे पहले का प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब था, कि मैं ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो काफी उन्होंने सुधारा है मेरे। हाउ नाइस, तो आप गजल्स भी गाती हैं, दो लाइनें हमारे गजल्स की सुनना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिटिल चैंप्स में गजल गाया था, मैं गाने से पहले दो
बातें मैं बोलना चाहूंगी। तब जगजीत सिंह जी थे, आए थे जी हमारे जी शो में, अरे वाह, और इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने जो कमेंट किया था वो आज तक मेरे जब जब जितने दिन तक मैं जिंदा रहूंगी शायद वो उतने दिन तक वो मेरे जहन में रहेगा हमेशा रहेगा। कि गाने के बाद उन्होंने बोला था तुमने ओरिजिनल से बेटर गाया है। अरे तो ओरिजिनल कितनी बड़ी बात है। लता मंगेशकर जी, नाना दत्त, तो ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स ये गाना सुनने के बाद। शायद उस दिन कुछ मैजिक हो गया था। तो वही गाना मैं गाना चाहूंगी जरूर। हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, हो दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे अल्लाह, हो दर्द से मेरा दामन भर दे या सुंदर, बहुत सुंदर, लवली लवली, बहुत थैंक सुंदर गाया, वेरी नाइस। आई रियली एंजॉय म्यूजिक। जब आता है मुझे लगता है इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब दुख सब कुछ भूल जाता है, और जस्ट इट्स लाइक आत्मा से परमात्मा का मिलन है। गाना आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, इट्स सो नाइस, एकदम एकदम से लवली। ये गाना मतलब जगजीत सिंह जी जब गुजर गए तब मुझे बहुत याद आता था कि उनके उनके जो कमेंट्स वगैरह बहुत याद आते थे, कि उन्होंने मुझे एक आशीर्वाद भी किया था, उन्होंने मुझे ये कहा था, बहुत बड़ी चीज है वो मेरे लिए। ऑफ कोर्स आशीर्वाद का अपना ही महत्व है और आपकी जर्नी में वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ऑफ कोर्स यस, या बिल्कुल आई डू एग्री। तो आपके अभी और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं संचिता? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो इतने सारे थे, अभी तो बहुत सारे अटक गए हैं, काफी सारे सिंगल्स आने वाले हैं, आने वाले बहुत जल्दी आने वाले थे। एक कवर सॉन्ग भी आने वाला था, मैं बहुत जल्दी वो मतलब रिलीज भी करने वाली थी लेकिन हुआ नहीं, एक क्वारंटाइन भी आ गया इसलिए कर नहीं पाई। तो आएगा, अच्छे से आएगा, ये क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा तो आई होप बस जिसके लिए आप गाना गाना चाहती हैं, आपकी आवाज उनके लिए यूज करी जाए, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है? करीना कपूर, आई लव हर, मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत। शी इज वेरी नाइस। तो अब आपने करीना का नाम दिया तो आई थिंक सो, अगर आप अब मेरा एक फेवरेट सॉन्ग मैं सुनना चाहूंगी, आई हैव हर्ड दैट इन योर वॉइस एंड आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट, गुलाबी आंखें आपका बहुत अच्छा है, दैट आई रियली लव दैट नंबर ऑफ योर्स जो आपने गाया है, गुलाबी आंखें वो शो में जो गाया था, ओ मेरे यारो संभला मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे हो दीवारों पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के गिरता जहां, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, तेरा ये जादू तेरी आंखों का कि मेरे कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी आप लाइक हर तरह के गाने में आप जान डाल देती हैं, और जैसे आपने कहा कि मैं
तैयार होके डांस करते हुए सीखते आ रही हो, वो ही आप अभी तक करती आ रही हो. एंजॉय योर म्यूजिक, इट्स सो कूल. हाँ, मैं जब जब गाना सुनती भी हूँ, जब गाना गाते भी हूँ, मैं अपने आप में ही रहती हूँ. आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस, बहुत मस्ती के साथ और बहुत एंजॉय करते हो आप गाते हो, इट्स सो नाइस. हाँ, कोशिश वही रहती है कि मैं एंजॉय करूँ तो सामने वाला भी एंजॉय करे ना. दैट इज सो नाइस संचिता, इट वॉज रियली नाइस हैविंग यू ऑन अवर शो, और इतना मजा आया. लवली, इट वॉज मुझे बहुत टॉकिंग मजा टू आया इनफैक्ट. मी टू. मुझे ऐसा लग रहा है आप हमारे पास ही यूएसए में ना. आई रियली वॉन्ट कि आप हमारे पास आए और हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल रूबरू होके गाने सुनाए, एंड दे विल रियली एंजॉय. अभी तो इतना दुख का दौर चल रहा है, बिल्कुल तो यू नो वी नीड सम बिल्कुल म्यूजिक, एंड इसी से एक बिल्कुल यू नो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं. यू नो डी स्ट्रेसिंग के लिए म्यूजिक इज द बेस्ट थिंग. बिल्कुल सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्कुल. सी यू सून आना. एनी मैसेज फॉर व्यूअर्स संचिता बिफोर वी एंड द शो? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि आप सब लोग क्वारंटाइन में हैं, आई नो मैं भी हूँ, और सब लोग आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और बाहर ज्यादा मत निकलिए. भगवान से प्रे कीजिए ताकि सब ठीक हो जाए, आप और आपके घर वाले सब ठीक रहे, ये मैं भी प्रे करूंगी. थैंक यू थैंक यू, संचिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, स्टे सेफ, बहुत स्टे होम. अच्छा लगा. सेम थैंक्स. यू, टेक केयर. मैं हूँ रश्मि बेदी. हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माय ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ड्रीम टीवी यूएसए.